दोस्तों, आपने बंदर के व्यवहार को तो नज़दीक से देखा ही होगा। आज मैं आपके साथ सामने ये वीडियो ला रहा हूँ जो एक बच्चा और माँ के बीच का है। मुझे लगता है कि ये अडॉप्टेड चाइल्ड है, ये किसी और का बच्चा है जिसके इसकी माँ ने उसको छोड़ दिया है और ये दूसरे बंदर को अपनी माँ समझ के उससे निपट रहा है और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और उसको तरह तरह से छोड़ना चाह रही है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा है। हो सकता है कि वो लास्ट में उसको अडॉप्ट कर ले। अक्सर ऐसा पाया गया है कि बंदर के बच्चों को दूसरे बंदर ये अडॉप्ट कर लेती हैं, कुछ टाइम लगता है। अगर आपको क्या सोचना है इसमें, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अकेला देख कहाँ नहीं हुआ, आ रही बच्चा आ रही है अभी। आएगी अब वहाँ पर आएगी, उसके पास ये आएगा तो अब उसको उठा लेगी, ये उठाएगी उसको। अभी थोड़ी देर में देखो तो उठा लिया उसको, अब क्या करेगी, फिर कुछ टाइम पे रहेगा ये भी। अरे क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है क्या, उठ के भाग जा। ऐसा व्यवहार बंदरों में बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब रेयर है ये इस टाइप से। जो ये बंदर का बच्चा अपनी माँ को छोड़ नहीं रहा ना, बहुत रेयर है ये। देखो आया भी उसको पकड़ दिए उसको, ये देखिए उसको मुँह साफ कर दिए, दबा रही दबा दी, क्या गुस्सा निकाली पता नहीं। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी कुछ बंदर अपने बच्चों को छोड़ देते हैं तो उसको दोस्तों बंदर अडॉप्ट करते हैं, तो उसको टाइम लगता है धीरे अडॉप्ट करने में। और यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है कि ये इसकी माँ ओरिजिनल माँ नहीं है, इसको अडॉप्ट करने में टाइम लगता है ये है। और तभी जब कुछ ऐसा रहता है ना, लगता है ऐसा। देखिए कितने प्यार से जा रहा है, क्योंकि अगर ये इसकी ओरिजिनल माँ होती तो उसको ढंग से रखती, उसको रखना नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि इसने उसको अडॉप्ट कर रही है। इसको अभी कुछ पता नहीं कि कैसे बच्चे को पाला जाए स्टेप से, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। वो देखो उसको पकड़ना, वो देखो पैर उसके, एक्चुअली बंदरों में कुछ माताएं कभी कभी अपने बच्चों के साथ हिंसक व्यवहार भी प्रदर्शित करती हैं, और कुछ अन्य अपने बच्चों को जन्म के तुरंत बाद छोड़ देते हैं। मुझे लग रहा है ऐसा ही ये छोड़ा हुआ बच्चा है जो दूसरे बंदर ने, फीमेल मंकी ने उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है, किया है, क्योंकि उसको उस ढंग से रखना नहीं आ रहा जिस ढंग से एक माँ अपने बच्चों को रखती है। खैर टाइम मैं ये भी सीख जाएगी, दोनों सीख जाएंगे, दोनों एक दूसरे को मेरे ख्याल से अपना लेंगे। बंदरों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार आमतौर पर शिशु जीवन के पहले 2 से 3 महीनों में होता है। देखिए धीरे धीरे ये बच्चे को ये बंदरिया अडॉप्ट कर देगी ये फीमेल मंकी, कि कभी कभी फीमेल मंकी भी बहुत एग्रेसिव हो जाती हैं, वो भी डिप्रेशन में चले जाती हैं, और बच्चे भी बहुत एग्रेसिव होते हैं। इस वजह से
थोड़ा उनको सामंजस्य बिठाने में थोड़ा टाइम लगता है। और कुछ कुछ बंदर तो अपने बच्चों को खुद नुकसान पहुंचाते हैं, ये कुछ टेंडेंसी हो जाती होगी एक्चुअली, अलग अलग का व्यवहार है। Thank you.